हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा वायरलेस पावर एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही सस्ते प्राइस पे बना सकते हो। कैसे इसको बनाना है, कैसे, पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दोस्तों पावर एक्सटेंशन बोर्ड का खाली बॉक्स। ये मैंने इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर से परचेज किया है 150 रुपये में। आप इसी तरीके से इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको बना बनाया चाहिए तो भी आप इसको परचेज कर सकते हो, 200 से 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी का बॉक्स है और ऊपर की इसकी जो सीट है वो कटिंग के साथ मैंने परचेज की है। आप बिना कटिंग के साथ भी परचेज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लिए हैं। अच्छी कंपनी के लेना दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका एक्सटेंशन बोर्ड वर्क करेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे जो 5 पिन सॉकेट हैं वो यहाँ पे 4 लिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से परचेज कर सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच का यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक 5 पिन प्लग का यूज़ किया है। अच्छी कंपनी का परचेज करोगे दोस्तों, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अच्छी केबल, अच्छे पावर, जो भी गजट हैं हमने, वो अच्छे से वर्क करते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। और साथ में इसके कुछ नट बोल्ट वगैरह हैं जो कि स्विच और बोर्ड के साथ ही आपको इनबिल्ट आते हैं। और एक मैंने यहाँ पे 6 एम्पेयर की पावर केबल ली है, 3 कोर वाली। आप चाहें तो 2 कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घरों में अर्थिंग का वायर है तो आप 3 कोर का यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप। और एक मैंने नॉर्मल कॉपर वायर परचेज किया है, जो कि आपको 6 से 7 रुपये पर मीटर मिल जाता है। और जो केबल है दोस्तों, वो मैंने 35 रुपये मीटर परचेज की है। अब इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ इसी सेम साइज़ के साथ, 3 या 4, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और उसको जो इसके साइड के दोनों सिरे हैं, इनको आपको छील लेना है। तो वायर छीलने के बाद हम जितने भी सॉकेट हैं, स्विच है, उनको सबको बोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, आप इसी तरीके से अपने घर पे इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरलेस रिमोट कंट्रोल, जो कि 4 पॉइंट का है। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा का भी ले सकते हैं। ये अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है। इसका लिंक आपको आई बटन में या फिर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको रिमोट, एक बैटरी मिलती है और एक मॉड्यूल मिलता है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा रिमोट है उसके अंदर मैं यहाँ पे बैटरी को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये दोस्तों आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और कोई अगर और किसी लोकल वेबसाइट पे अगर होगा तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप परचेज कर सकते हैं। आप इसको एक्सटेंशन बोर्ड में या फिर घरों के पावर बोर्ड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी। ये देखिए, जब भी आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक रेड लाइट है, जैसे ही प्रेस करेंगे ये ग्लो करेगी। ये देखिए, कोई भी स्विच आप इसके साथ प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। अब इसके मॉड्यूल के कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। एक सर्किट डायग्राम आपको इसके वीडियो के इसके फ्रंट के ऊपर भी मिल जाता है। देखिए, एक साइड आपको 4 वायर मिलते हैं, जो कि आपको पॉजिटिव आउटपुट रहेगा, जो कि 4 सॉकेट के अंदर जाएगा, चाहे वो फैन हो, लाइट हो, या फिर कोई भी कुछ भी तरह किसी भी तरह का होता है, इसके पॉजिटिव सिरे के ऊपर 4 वायर जाएंगे। ये देखिए, और बाकी जो 3 वायर हैं, तो जो उसके पहले रेड और ब्लैक वायर है, ये फेज और न्यूट्रल का इनपुट वायर है, और ये न्यूट्रल का आउटपुट वायर है, थर्ड ब्लैक वायर। तो इसके कनेक्शन इसी तरीके से आपको करने हैं। तो ये देखिए, तो मैंने ग्रीन वायर है वो पहले से ही लगा दिया है, जो हमारे अर्थिंग का रहता है। अब मैंने फेज और न्यूट्रल वायर रखे हैं। तो जो हमारा फेज़ वायर है, यानी कि रेड वाला जो वायर है, उसको मैं यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऑपरेट करना है स्विच के साथ। आप चाहे तो बिना स्विच के भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसमें जो न्यूट्रल वायर है वो पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। अर्थिंग का वायर भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायर हमारा जो मॉड्यूल है उसके साथ कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट, और जो दूसरा जो वायर है वो जो कि आउटपुट में आएगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने
जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं ब्लू वायर, उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, जो कि हमारा आउटपुट न्यूट्रल रहेगा। और जितने भी हमारे चार वायर हैं वो सभी पॉइंट्स में पॉजिटिव सिरे पर, यानी कि फेज वाले सिरे के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल आउटपुट है उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5-पिन सॉकेट के ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आपको इसकी इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। आपको मैं पूरा सर्किट डायग्राम इसके साथ मैं आपको दे दूंगा, और आप इसको मॉड्यूल के ऊपर भी ये मिलता है, तो आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब जितने भी हमारे चार वायर हैं यहाँ पे, तो उन सबको मैं 5-पिन सॉकेट के ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ फेज वायर के रूप में। ये देखिए, तो सभी वायर से जो हमारे जो चार वायर हैं चार पॉइंट के, उन चारों को मैं यहाँ पे फेज वायर के ऊपर सबको इंस्टॉल कर दूंगा। देखिए चारों के चारों वायर मैंने जो कि फेज वायर हैं जो हमारे डायरेक्ट 5-पिन सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर दिया, और जो हमने इनपुट में जो न्यूट्रल का वायर लिया था उसके ऊपर टेप का इंसुलेट कर दिया है मैंने, और जो हमारा पॉजिटिव सिरा है वो डायरेक्ट मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, आई होप मतलब जितना भी मैंने अभी तक सर्किट बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको बाहर रख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको बाहर ही इंस्टॉल कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो इसका बड़ा बॉक्स आप परचेज कर सकते हैं और उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक वायर रहता है जो कि एंटीना का वायर रहता है दोस्तों, वो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाहर निकाल के इसकी जो रेंज रहती है दोस्तों वो 30 मीटर के आसपास रहती है, कंपनी क्लेम करती है 30 मीटर, तो लगभग आप 20 से 25 मीटर आपको मान के चलिए, आपकी बैटरी अगर नई है तो 30 मीटर ये वर्क करने लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ कोर्डलेस ड्रिल मशीन का, दूसरा यहाँ पे मोबाइल चार्जर का। ये देखिए, पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसके बाद में आपको मैं ऑन करके दिखाऊंगा। एक मैं यहाँ पे 25 वॉट की LED बल्ब लगा के दिखा देता हूँ। आप इसमें किसी भी नॉर्मल गैजेट जो हमारे में फ़ैन है, बल्ब है, कोई भी मोबाइल चार्जर, इसको ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको हीटर वगैरह में ऑपरेट ना करें ये सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। अब मैं आपको ए, यानी कि जैसे ही आप ए प्रेस करते हो आप मोबाइल आपका चार्जिंग पे चला जाता है। ये देखिए, दोबारा एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ए इसको, यानी कि एक पॉइंट है उसको प्रेस करोगे, आपका मोबाइल चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। आप 25 से 30 मीटर की रेंज से आप इस ऐसे ही इसको वर्किंग में ले सकते हैं। अब मैं आपको कोर्डलेस ड्रिल मशीन की बैटरी को चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डी पॉइंट रहेगा, जैसे ही मैं डी को प्रेस करता हूँ हमारी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट करने लग जाती है। और ये हमारा सी पॉइंट रहेगा, तो जैसे ही मैं सी को प्रेस करूँगा हमारी लाइट है वो ग्लो करने लग जाएगी। और बी को मैंने खाली रखा है दोस्तों, ये देखिए, एक बार प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा, सेम उसी से ऑन ऑफ होता है। आप डायरेक्ट भी पूरे सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको पूरे सर्किट को आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं ऑन ऑफ से। जैसे ही आप ऑफ करोगे तो पूरे सब कुछ ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही आप ऑन के ऊपर क्लिक करते हो सब कुछ वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक स्विच से भी सबको ऑपरेट कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।